बजाज की कावासाकी 4S, इसमें लाइट का प्रॉब्लम हो चुका है। पहले अपन लाइट चेक करने के लिए सबसे पहले RR यूनिट चेक करेंगे, उसके बाद मैग्नेट की कॉइल जो है वो चेक करेंगे। अगर इसमें करंट फुल है तो अपना RR यूनिट जो है उसका ही प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी गाड़ी स्टार्ट करके दिखा दो गाड़ी पर। और ये जो है इनकी गाड़ी है, ये देखिए कितना, मतलब पूरा ही डिम है लाइट, इसमें कोई भी, मतलब लाइट कौन सा भी जलाओ आप, अपर या लोअर, तो कोई भी नहीं जलता। तो अभी गाड़ी स्टार्ट है तो अभी चेक करते हैं हम। आर चेक करने वाले, इसमें करंट आता है या नहीं, पहले अपन जो येलो लाइट है उसमें चेक करेंगे करंट आता है या नहीं। इसमें भी करंट नहीं शो हो रहा है, तो उसके बाद अभी ये जो व्हाइट कपलर है इसके अंदर भी देखेंगे आप, ये भी नहीं शो कर रहा। कपलर को निकाल के चेक कर दे, कपलर निकाल दिया है, इसके अंदर अपन अभी चेक करेंगे डायरेक्ट देखे। ये देखिए बारीक बारीक स्पार्क आ रहा है, देख सकते हैं, इसका मतलब अपना RR यूनिट जो है वो खराब हो चुका है। अभी इसको खोल के अपन नया RR यूनिट लगा देंगे, नया डालेंगे, वैराइट कंपनी का है ये, अभी अपन नया डालने वाले हैं इसके अंदर। उसके बाद देखेंगे लाइट का कितना गिरता है, का ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट है, इसको अभी लगा दे हम। इसके नट बोल्ट दोनों कट गए, इसके आर्थिंग चाहिए अपने को, इसकी वजह से देखो सामने की तरफ अब लाइट और ये थी कावासाकी बॉक्सर का हेडलाइट प्रॉब्लम।